ग्वालियर में देर रात हथियार की नौक पर व्यापारी भाइयों से लूट की वारदात का मामला सामने आया है। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के हीरानगर चौराहे के पास की बताई जा रही है, जहां पास में ही दुकान का संचालन करने वाले दो भाई अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकले ही थे कि इसी बीच रास्ते में उन पर यह हमला हुआ। पीड़ित भाइयों का कहना है कि तोमर और उसके साथियों ने पहले तो उनके साथ जमकर मारपीट की, फिर फायरिंग करते हुए उनके गले का थैला छुड़ाकर भाग निकले, जिसमें 15 से 20 हजार रुपए बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश भी पुलिस ने लगातार कर रही है। तो मेरे वो मतलब गुंडों ने घेरा रास्ते में, मैं लट्ठमारे पहले तो भागा अपने बैग लेके, पैसे का दुकान गलता था, मतलब 15 से लेके 25 हजार तक का उन्हें लूटा। कौन लोग थे वो लोग? साहब हमारे रहते हुए 10 तारीख को मोनू होगा से। किससे? मोनू तोमर से। तो उन्होंने हमको रास्ते में घेर लिया, फिर उन्होंने मतलब लट्ठमारी मारी दोनों भाइयों में। मैं था, मेरे भाई थे रवि राठौर। थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में, हीरानगर क्षेत्र में, एक व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा रहा था, तो उसी समय दोनों भाइयों को रोककर रास्ते में मारपीट की और डराने के लिए उद्देश्य से हवाई फायर किए एक दो उनको सके। जो पूर्व में उनके साथ घटनाक्रम हुआ था आज से करीब 10 दिन पहले, उन्हीं में से जो आरोपी हैं, हो सकता है कि उन्होंने वारदात की हो, उन्हें घटनास्थल पर पहुँच गई और जो कार्रवाई है घटनास्थल की, उसके बाद आरोपियों जो संभावित आरोपी हैं उनकी तलाश कर रहे हैं।